कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन दिनों सक्रिय है और इसलिए सक्रिय है कि उसकी तमाम प्रयासों के बावजूद बीजेपी के नेता एकजुट होकर उसके प्रत्याशियों को या जिसको कहें उस तरह से सहयोग नहीं कर रहे जैसा करना चाहिए। तो वस्तुस्थिति क्या है और संघ कैसे प्रयास कर रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय जो इस बारी चर्चा में आ गए। मैं बात करूं अगर कांग्रेस की तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री हैं, समाज सेवी हैं पूर्णिमा जैन जी, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। मैं बात करूं अगर बीजेपी की तो बीजेपी के अनिल चौधरी जी हैं, वो यहाँ बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में रहेंगे अविनाश कुदेशिया जी, वो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से राजनीति में ये जो समीकरण बदल रहे हैं उनका आने वाले समय में क्या असर पड़ सकता है। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सबसे पहला सवाल यहाँ आपसे बनता है अनिल जी, के जिस तरीके की बातें यहाँ आ रही हैं सामने के बीजेपी ये कहती नज़र आ रही है कि साहब हम एकजुट हैं और दूसरी तरफ जो है विरोध जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप ही के लोग? कौन नहीं कर रहा, सारे लोग कर रहे हैं। और कल भी जब नामांकन गए तो पूरा केंद्र से लेके तो नीचे स्तर तक का, कल ही की बात कर रहा हूँ मैं। कल पहली बार ऐसा हुआ कि संघ की डटाई के बाद बड़े बड़े नेता, चाहे वो शिवराज जी हों, चाहे वो राकेश जी हों प्रदेश अध्यक्ष, या विनय सहस्त्रबुद्धे जो प्रदेश के प्रभारी हैं, वो भी एक साध्वी का नामांकन दाखिल कराने आए। इसके पहले तो कोई नहीं गया। नहीं, हम कराने जाएं तो दिक्कत, नहीं कराने जाएं दिक्कत नहीं, तो कराने नहीं, उसके पहले की मैं आपको बता देता हूं, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। और नहीं, नहीं, कराते मैं उसके तो पहले की भी मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरीके से विवेक सेजवलकर जी हैं आपके ग्वालियर के, या खजुराहो से बी डी शर्मा, ये तीनों संघ के कैंडिडेट हैं और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, ये तीन ही कैंडिडेट संघ ने दिए हैं इस बार। और जब उन्होंने देखा कि ग्वालियर में और खजुराहो में आप उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर जब डंडा चलाया तो प्रदेश प्रभारी को भी आना पड़ा। तो प्रदेश प्रभारी ग्वालियर क्यों नहीं गए थे? नहीं देखिए, मैं बताऊँ क्या है कि कहीं कहीं ऐसे आप होता है कि कहीं थोड़ा विरोध होता है शुरुआत में, लेकिन सारे संगठन के लोग लग गए हैं, चुनाव जीतेंगे और बहुत अंतर के मतों से जीतेंगे, भारी अंतर के मतों से जीतेंगे। तो कल सुन लीजिए, कल पूर्व पार्षदों की बैठक बुलाई थी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा जी ने, और उस पार्षदों की बैठक में, कार्यकर्ताओं की बैठक में सिर्फ आधे ही लोग पहुँचे, आधे लोग आए नहीं। तब प्रभात जी को ये कहना पड़ा कि अब टिकट वितरण जब भी होंगे नगरीय निकायों के तब हम देख लेंगे आपको। नहीं तो कुछ नहीं होंगी, अब कुछ व्यक्तिगत परेशानियां या सूचना समय पे तो आधे लोग नहीं आए, तो हो जाता है ऐसा कई बैठकों में संख्या आपने जो अपेक्षित होती है वो नहीं हो पाती है। तो ऐसा नहीं हो कि आधे ही वोट मिले फिर? वोट ये तो पब्लिक ने मन बना लिया कि किसे वोट करना है, तो वोट तो तभी करेंगे ना जब आपका नेटवर्क ठीक होगा। कोई पर्ची सुन तो लीजिए, कोई जब कैनवासिंग नहीं करेगा प्रत्याशी के समर्थन में तो जनता भी कहेगी क्या, अरे बड़ा घमंड है इनको प्रत्याशी को, तो वो और पता चला वोट डालने नहीं जा रहे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्या घमंड दीदी, कहाँ घमंड दिखा रही है? नहीं दीदी नहीं दिखा रही, दादा दिखा रहे हैं। आपने कहा ना प्रत्याशी को घमंड, तो नहीं मैं ये कह रहा हूँ एक आम मतदाता की धारणा होती है कि जब वो प्रत्याशी उससे जनसंपर्क के लिए नहीं पहुँचता है, मिलने नहीं पहुँचता है, तो मतदाता ये मानता है कि अरे यार अभी जीते नहीं तब ये घमंड, जीत गए तो पता नहीं इधर से निकलेंगे भी नहीं। तो फिर प्रभात जी को ये क्यों कहना पड़ा कि आपकी बार टिकट नहीं देंगे? तरीके से वो जैसे बैठक चाह रहे थे उस तरह से बैठक नहीं हो पाई, तो ये मीडिया तक बात पहुंच गई, बस और कुछ नहीं है। अब आज का देखो, नहीं तो दब जाती अगर मीडिया तक नहीं पहुंची। आज जो रोड शो रहा उसमें सारे लोग थे हमारे। हाँ तो इसलिए तो रहे ना कि प्रभात जी ने ऊपर तक ये बात पहुंचाई और संघ के जो नेता हैं उनको भी ये बताया कि भाई साहब यहाँ तो एक अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है, और ये पॉलिटिक्स चल रही है कि संघ का कैंडिडेट है हार जान दो हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बातें हैं सब कुछ। अच्छा एक बार एक मैं उदाहरण आपको दूं पुराना जी। आप देखेंगे अगर
विभा पटेल जी जब चुनाव लड़ी थी आपको याद है 1998 का वो दौर, तो आपको पता होगा कि जब वो चुनाव लड़ी तो उनके सामने थी संघ की कैंडिडेट राजू माली, वो भी संघ की कैंडिडेट थी और कितनी बुरी तरह हरवाया सब बीजेपी वालों ने। वो उसका रेट पूरा वशिष्ठ जी को जाता है जो 20-25 जीते तो आप और हारे तो कलेक्टर जिम्मेदार। सुन लीजिए अनिल जी, अनिल जी घटनाक्रम आप जाइए वापस। अरे अनिल जी, अनिल जी आप की अरे गुंडागर्दी बचाइए शासन प्रशासन। मैं आपसे ये कह रहा हूँ अनिल जी, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अनिल जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जीते तो आपका माथे पे सेहरा बंधे और हारे तो कलेक्टर जिम्मेदार। ये कौन सी बात, चलिए जवाब मतों को आप वो कर देते हो तो आप सो रहे थे क्या? आप जाते कोर्ट में, आप जाते उसी समय जब गिनती में गड़बड़ी हुई, कौन आपका नेता गया विरोध करने? सारे लोग गए थे और आप तो आपके विरोध के बाद भी हो गया खेल। पार्षदों की कैसे पढ़ाई खुली गुंडागर्दी, वो अलग चीज है, उसको एक दूसरे से लिंक मत करिए। अभी सिर्फ बात राजो मालवी की हो रही थी, मैंने एक उदाहरण इसलिए दिया, मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि वो भी संघ की कैंडिडेट थी और उनको किस तरीके से मतलब हरवाया गया ये जग जाहिर है। खैर आपका जवाब नहीं है उसका। पूर्णिमा जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या बीजेपी में महिलाओं की कद्र नहीं होती है या संघ से जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको ये इस हल्के तरीके से लेते हैं कि अरे हारे तो अच्छा है ताकि संघ हम पे दबाव न बनाए? मैं तो यही कहूँगी कि बीजेपी में महिलाओं की कदर बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि महिलाओं के साथ एक बार अगर आ भी जाए मैदान में और अपने दम पे जीत भी जाए तो उसके बाद उनको जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है और फिर वो मैदान छोड़ के भागती हैं और फिर जनता का दुर्भाग्य कहेंगे उसको कि जनता वोट देती जिता देती है, फिर वो मैदान छोड़ के भाग जाती है। आप देख लीजिए उमा भारती जी का सीधा उदाहरण है, जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको जाना पड़ा छोड़ के। इसके बाद भी और भी कई ऐसी महिलाएं, अभी तीन तीन महिलाओं ने छोड़ दिया अपने मैदान, सुषमा जी ने छोड़ दिया, ताई ने छोड़ दिया, उमा जी ने भी छोड़ दिया, उमा जी ने भी छोड़ ही दिया। तो महिलाओं के साथ मैं समझती हूँ दिखावा जरूर करती है कि हम महिलाओं के साथ हैं, वोट बटोरने की पूरी कोशिश करती है महिलाओं के नाम पे बीजेपी, लेकिन वैसा अंदर से कुछ वैसे सपोर्ट नहीं मिलती महिलाओं को जो मिलनी चाहिए। या अविनाश जी आपसे सवाल कि ये जो नए समीकरण बन रहे हैं और ख़ास तौर पर संघ मॉनिटरिंग कर रहा है एक एक चीज़ की, और वो न केवल मॉनिटरिंग कर रहा है, इस बार जिसको कहें ना आपने डंडा जो दंड जिसको कहते हैं वो भी लेके बैठा हुआ है और नेताओं को बार बार वो दंड फटकार के समझा भी रहा है कि अगर कैंडिडेट हारा तो याद रखना विधानसभा हो या लोकसभा हो जो जो प्रत्याशी हैं सबको देख लेंगे, तो इसका कुछ असर आपको लगता है पड़ेगा? इसमें ऐसा लगता है कि संघ ने समझ लिया था कि इधर पॉलिटिक्स बहुत है और पॉलिटिक्स की वजह से जो टिकट मांगने वाले लोग थे भोपाल से तो उसमें जद्दोजहद थी, तो इस वजह से उन्होंने एक जादूगर की तरह से इनको प्रकट कर दिया नए कैंडिडेट को। और नए कैंडिडेट जब भी किसी बड़ी जगह जहां से इतने सालों से पार्टी जीत रही है नई जगह आता है तो कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से 50 साल में प्रवेश किया है वो हर आदमी की अपनी इच्छा होती है, अपनी वो रहती है कि हमारा नंबर कब आएगा। अब यदि हर जगह यदि हर आदमी को प्रकट कर देंगे जादूगर से तो एक बार जीत सकते हैं, दूसरी बार इनके यहाँ भागना पड़ता है। पहली बार भी ऐसे ही हुआ था, उमा भारती को भोपाल से लड़ाया, उसके बाद चली गई, फिर वो खजुराहो से चली गई, झांसी से अभी भाग के आई है और वहाँ से, क्योंकि वो आदमी इस तरह की जो पर पार्टी चला रहे हैं अपनी दम पर, संघ चलाए जाए कोई भी पार्टी चलाए उसमें बाद में दिक्कत आती है क्योंकि उनका कोई नेटवर्क तो है नहीं, नेटवर्क तो बीजेपी का है या आरएसएस का है, तो वो नेटवर्क को पचाना, किसी भी व्यक्ति को पचाना बहुत मुश्किल का काम होता बाहर के, भले ही कोई पार्टी जरूर कहे कि अरे साहब अच्छा आ गया और सब लोग मेरे साथ हैं और ये है, मगर आप भी समझते हैं कि यदि रिश्तेदार नहीं है और बाहर का आदमी कोई आ जाता है तो उसको आदमी अपने परिवार के फंक्शन में पचा नहीं पाता। उसी प्रकार ये भले ही बीजेपी कहे या कोई आरएसएस कहे कि मैं तो साहब सब साथ में हूँ, इसका रिजल्ट जब आएगा जब आपको भी लगेगा कि हाँ 23 के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितनी तैयारी थी सबकी। ये बिल्कुल, या आपसे सवाल अनिल जी के जो हालात बन रहे हैं जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं उससे बीजेपी की एकजुटता पर कई सवालिया निशान ऐसे ही नहीं खड़े हो रहे हैं? ये तो मैंने भोपाल सीट की बात बताई, आज अगर सागर सीट की बात करें आप तो बीजेपी के सांसद हैं लक्ष्मी नारायण यादव, उन्होंने पूर्व मंत्री
भूपेंद्र सिंह का विरोध करते हुए और वर्तमान में जो आपके कैंडिडेट हैं जो उन्हीं के सगे संबंधी या परिचित हैं उनको हाशिए मतलब सीधे सीधे निशाने पर लेते हुए हाशिए पर धकेलने की कोशिश की है और ये कहा है लक्ष्मी नारायण जी ने कि मैं इनका प्रचार नहीं करूँगा, ये गुटबाजी है या अगाध प्रेम है, क्या है ये? प्रेम तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन क्या है कि देखिए कहीं तो आदमी थोड़ा सा नाराज रहता है जब उसका टिकट कटता है ना, और तो कटे हुए तो बहुत दिन हो गया, नामांकन भर दिया अब क्या बचा जी, कटे हुए टिकट तो बहुत दिन हो गए और हाँ। नामांकन भी भर दिया, सब कुछ हो गया, अब वो कह रहे हैं कि आप मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा, ये वो चुनौती दे रहे हैं और वो भी यादवी चुनौती है। आप देखिए तो अगर वो प्रचार नहीं कर रहे तो सिर्फ उनके कारण सागर में पार्टी नहीं खड़ी हुई है, पार्टी के और भी नेता है वहाँ और भी कार्यकर्ता है, दम कम से एक आदमी को आज पता चला क्या? नहीं, अरे उनका विरोध भाई विरोध कर रहा है तो उनके मैं बता रहा हूँ कि उनके अगर प्रचार करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ से हमारा प्रत्याशी हाँ। जीतेगा क्योंकि वहाँ पे हमारा संगठन मजबूत है, संगठन मजबूत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब इन्हीं लक्ष्मी नारायण यादव को बड़े बड़े नेताओं के टिकट काट कर और इनको टिकट दिया था आपने तो इनका विरोध किसी ने ज़्यादा नहीं किया था, पर ये कह रहे हैं कि नहीं मैं तो प्रचार करने ही नहीं जाऊँगा, तो ये गुटबाजी नहीं है तो क्या है? गुटबाजी, इसे गुटबाजी थोड़ी कहेंगे ना, एक आदमी को इसे विद्रोह कहेंगे भाई, विद्रोह करना कहेंगे? है तो उसको या तो संगठन के कुछ लोग उनको समझाइश करेंगे और लाएंगे उनको पटरी पे, नहीं तो फिर ठीक है भाई बहुत से चलेगा, जैसे आज दिल्ली में एक उदित राज जी चले गए, किसने क्या किया, क्या फर्क पड़ता है, एक के आने जाने से आना जाना लगा रहता, पार्टी थोड़ी है, सागर है पार्टी, सवा कितने 125 करोड़ आपके मतदाताओं में लगभग 2-2.5 करोड़ तो मध्य प्रदेश में ही घूम रहे हैं कार्यकर्ता, है ना, ज़्यादा है संख्या, तो ऐसे चले भी जाएं तो क्या दिक्कत होती है आपको, आना जाना लगा रहता है बिल्कुल। और ये जो आना जाना एकदम चुनाव के समय पे लग रहा है, आपको नहीं लगता कि इससे नुकसान भी हो रहा है? कार्डर बेस्ड पार्टी है, पहले से आपने सर्वे नहीं कराए थे या बताया नहीं था? आकांक्षा है उनकी, यहाँ पूर्ति नहीं होगी उनके, खुला देखिए ये तो उन पर निर्भर है कि उनके उनका भविष्य कहाँ सुरक्षित और कहाँ नहीं है, उनको लगता है कि यहाँ नहीं है, पार्टी ने इतना कुछ दिया इसके लिए पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए ना, आज बेचांदी पार्टी ने उनको प्रदेश में और देश में, आज पार्टी ने सारे समीकरण बिठा के अगर टिकट काटा है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होगा। और ये जो एक आम कार्यकर्ता में धारणा घर कर रही है कि कितना भी मेहनत कर लो बीजेपी में होना जाना कुछ नहीं है, या तो कोई बड़े नेता का सोर्स हो तो भला हो सकता है, और नहीं तो ये गुटबाजी जो चल रही है कि ये शिवराज गुट का, ये फलाने गुट का, ये ढिकाने गुट का, तो उस चक्कर में जो इतने गुट के घूम रहे हैं वो कहीं भी सेट नहीं हो पाते। लेकिन कोई गुट नहीं है, पार्टी बिल्कुल सब एक होके पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प है। या आपके गुरमा जी ये सवाल कि बीजेपी में इतने सब जिसको कहें विद्रोह बगावत और विद्रोह के स्वरों के बावजूद भी वो लोग कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, कांग्रेस में 1-2 सीटों को छोड़ दें तो बाकी जो आरक्षित वर्ग की सीटें हैं वहाँ प्रचार बिल्कुल धमक नज़र ही नहीं आ रही है, क्या वो पैसे नहीं पहुँचने की वजह से नज़र आ रही है या वो हवाला फवाला का पैसा पकड़ा गया उसके कारण ये सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं या सरकार का काम अच्छा नहीं था, क्या था? नहीं, कांग्रेस का एक मतलब कहना चाहिए थोड़ा संगठन का रहता है कि संगठन कमजोर है, भाजपा का संगठन मजबूत है तो वो हर जगह दिखता है, हर जगह खड़ा, भले ही चाहे सूरत दिखाने के लिए पहुंच जाए लेकिन पहुंचते जरूर है, लेकिन कांग्रेस का वही उल्टा है कि काम करवा देंगे आपका लेकिन पहुंचेंगे नहीं। मैंने अभी जब से मैं तो क्योंकि दोनों पार्टियों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हो रही हूँ तो कांग्रेस के लोगों की मैंने एक मानसिकता देखी कि वो आपका कोई भी काम होगा तो अगर वो एक छोटा सा राशन कार्ड भी होगा तो अड़ के जाके सीएमओ के सामने खड़ा हो जाएगा कांग्रेस का कार्यकर्ता और जब तक बनवा के नहीं लाएगा जब तक वो खड़ा रहेगा वहां पर। और वही अपन बीजेपी के लोगों को देखते हैं तो वो सिर्फ खड़े हो जाते हैं, काम हो चाहे नहीं हो आपकी सक्रियता दिखना चाहिए, ये उनका पैटर्न है। तो मैं समझती हूँ कि आज के युवा और आज के मतदाता समझदार हो गए हैं, अब वो समझ रहे हैं कि सिर्फ खड़े रहने से या सिर्फ समय निकालने से या सिर्फ झूठी दिलासा देने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आज जो बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, आए दिन उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, सट्टा जुआ वगैरह ये सब बेरोजगारी के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो ये सब चीज उनको समझ में आ रही है और अब वो एक कहते हैं लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, अब बदलाव का एक नजारा दिख रहा है और उसमें
ये क्योंकि लोकसभा चुनाव है, इसमें लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है, केंद्रीय नेतृत्व का चुनाव होता है, तो बहुत समझदारी के साथ वोटिंग होती है और हमें उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले पाएंगे इसमें। बिल्कुल, यहाँ एक बात और आपसे अनिल जी पूछना चाहूँगा मैं कि चूँकि बीजेपी लगभग 15 साल मध्य प्रदेश में सत्ता में रही है और अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, अधिकांश आपके नेता जो हैं वो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि एक बार वोट दे दो तो एक वोट से 2 सरकारें बनेंगी, केंद्र में तो बनेगी बनेगी, यहाँ की कमलनाथ सरकार भी गिर जाएगी, ऐसा आपके कई नेताओं ने कहा है, जिसकी शिकायत आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इलेक्शन कमीशन को की है। नहीं, नेताओं से कुछ कांग्रेसी जो इनके विधायक हैं वो संपर्क में होंगे तभी तो नेता अगर इस तरह का बयान दे रहा है, तो ये तो अपना घर मजबूत करें, हम लोग तो बैठे हैं भाई, जो आएगा उसका स्वागत है। आप फोड़ने के लिए बैठे हैं दूसरे? फोड़ने के लिए नहीं, हम अरे हमारे अगर संपर्क में है तो हम क्यों नहीं इनको स्वागत करेंगे भाई। आज अगर कोई जैसे राकेश सिंह जी आए थे, राकेश चतुर्वेदी आए थे, हमने स्वागत किया था और फिर चले गए। अब वो चलेगा तो वही है ना, उनकी मर्जी है, हमने ना बुलाया था, वो खुद आए थे तो खुद चले गए। इससे इमेज तो आपकी पार्टी खराब हो रही ना कि जो कांग्रेसी आपके यहाँ आता है आप उसकी इतनी दुर्गति कर देते हो कि वो छोड़ के भाग जाता। नहीं तो हमने भाई ना बुलाया तो हम दुर्गति क्यों, हम क्यों दुर्गति करेंगे भाई, आए आपके लिए, हमारे तो सबके लिए द्वार खुले हुए हैं, आइए स्वागत है सबका। अब कोने में बैठ जाइए के ना उसके। अब वो एक विषय अलग है। बिल्कुल अविनाश जी, अगर मैं बात करूं कांग्रेस से दल बदल करके बीजेपी में आने वाले नेताओं की, तो क्या आपको लगता है बीजेपी बहुत अच्छे से उनको साज संभाल पाती है, उनको उतने मौके दे पाती है? वो क्या है, जब इन्होंने कहा जी ने कि उनको बुलाया नहीं था, मगर उसमें डील हुई थी और डील ये हुई थी कि छोटे भाई को हम टिकट देंगे, ठीक है, मैं उनकी पूरी फैमिली को जानता हूँ और किसने डील कराई उनको भी जानता हूँ, और डील कराने के बाद में जब उनको सफोकेशन जैसा सांस नहीं ले पा रहे थे तब जाके वो रिवर्स गियर में आए, और अभी तक ऐसा नहीं है बीजेपी में जो भी गया है अभी तक का रिकॉर्ड है, अभी से नहीं मतलब आप समझ लीजिए 82-83 से जो भी गया है वो बाद में लौट के ही आया घर को, मतलब जैसे पुराने लोग कहते हैं ना कि सवेरे का बूढ़ा शाम के वापस आ जाए, तो क्या होता है कि वहाँ के इनका जैसा जो बोलते हैं आरएसएस वाले और बीजेपी वाले कि हमारा कैडर बेस पार्टी है, कैडर बेस में आप घुस नहीं सकते, आप बाहर ही खड़े रहो बिल्कुल, और वहाँ पे जैसे ही आदमी को सफोकेशन होने लगता है तो वो अपने घर वापस आ जाता है, और बुलाने के लिए जैसे इन्होंने कहा उदित राज जैसे हैं वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आरएसएस के बड़े वो थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से और जी वो सब बातें, बाद में फिर वो लास्ट आइटम बार्टर ऑफ इंडिया हो गए, फिर कुछ नहीं हुआ, ऐसे कई मामले हैं। अब क्या होता है अपनी छवि बनाने के लिए इनके यहाँ तो क्या है कि जैसे कॉलगेट का नया नया प्रोडक्ट आता है तो हर आदमी, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो साहब ऐसा नहीं है, जैसे अडवाणी जी गई है इन्होंने बड़ा उसका बहुत ही अच्छी इज्जत की है ना, बहुत उनको मान सम्मान दिया और मान सम्मान करके वो इन बीजेपी की वजह से अडवाणी बने, नहीं तो वो अडवाणी नहीं थे, उनका नाम कुछ और हो जाता। यदि ऐसा इनका कहना है कि आरएसएस और भाजपा हमारी कैडर बेस पार्टी है और आदमी से कुछ नहीं होता, हमारी पार्टी के नेतृत्व इतना अच्छा है कि वो किसी को भी ऐसा, भोपाल में एक कहावत थी पुराने बीजेपी के एक बड़े आदमी ने बोला था कि हम भोपाल में कुत्ता भी बीजेपी का यदि चाहेंगे तो कुत्ते को भी खड़ा कर देंगे तो वो भी जीत जाएगा, ऐसा हमारी कैडर बेस पार्टी। अनिल जी, ये जो घमंड है अभी आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में पुराने भोपाल से आपने फातिमा रसूल सिद्दीकी को खड़ा किया था और नतीजा देखा आपने, इतिहास की सबसे शर्मनाक हार आपकी पार्टी ने झेली। अभी भी ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि कार्यकर्ताओं की आप अपेक्षा कर रहे हैं, नेताओं की अपेक्षा कर रहे हैं? नहीं देखिए प्रकाश जी, क्या है कि टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा, इसमें अपेक्षा नहीं है। अब क्या है कि हमारा भाजपा परिवार इतना बड़ा हुआ कि सबको टिकट देना संभव नहीं है, तो यहाँ यहाँ महत्व आकांक्षाएँ होती हैं तो जो ज़्यादा पाल रखी होती है उनको तकलीफ होती है। और रही कैडर की बात, तो कैडर पूरी तरह से मजबूती से काम कर रहा है, उस समय बिल्कुल सही कर रहा है कि आप उत्तर विधानसभा में टिकट का जो चयन था वो गलत हुआ था, उसका खामियाजा पार्टी ने और हमने भुगता है। तो अब ये इस बात की क्या गारंटी है कि साध्वी का चयन आपने ठीक किया है? साध्वी से पूरा माहौल गरमाया मध्य प्रदेश का, पूरे देश का,
मैं तो अभी मैं थोड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं देश की बात करूँ, जो महाराष्ट्र जो मेरी हैसियत के हिसाब से मैं बात करता हूँ। मैं तो आपके मैं तो और बढ़ के कह रहा हूँ आपको कि वो तो महाराष्ट्र में भी करवाया हुआ है पूरे, तो एक माहौल तो खींचा है उनसे और अच्छे परिणाम आएंगे उसके। और ये जो उटपटांग बयान जारी करवा दिए उनके मुखारविंद से, हेमंत करकरे जी शहीद हैं, उनको भी उसी सवाल का निशान उठा दिया। पार्टी ने क्लियर कह दिया कि ये उनका व्यक्तिगत बयान रहा है, उनको क्या है कि उनकी पीड़ा थी वो कहीं तो एक, एक लिस्ट लो जारी कर लीजिए। जब नीचे जाता है ना बयान, एक प्रेस नोट आता है आपका, और जब वो बयान देती तो नीचे लिख दें जैसे डिस्क्लेमर आता है ना नीचे फिल्मों में कि ये सब काल्पनिक है, इसका किसी घटना से कोई संबंध नहीं है, वैसे ही बोल दें कि ये बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, ये इनका व्यक्तिगत बयान है। नहीं नहीं, उसको फिर हमारे वरिष्ठ नेता जैसे शिवराज जी वगैरह समझाया कि आप जो है थोड़ा सा बयानों पे कंट्रोल करिए जी, थोड़ा सा ऐसे विवादित बयान ना दें तो आप ठीक हो गई हैं। हाँ, अभी तो मतलब ठीक क्या हो गई हैं, हमारी बहुत बड़ी नेता हैं, उनके बारे में मेरा कहना कुछ भी तो नहीं है। बड़ी नेता माने हम, ये तो चुकी आदमी मर रहा है। सही बात। चलिए, यहाँ पूर्णिमा जी आपसे ये बात कि ये जो बीजेपी में सब कुछ चल रहा है, इतनी अराजकता, इतनी अव्यवस्था, उसके बावजूद हौसले खूब बुलंद हैं। यही तो तारीफ की बात है कि हौसले बुलंद हैं, और अब जो अभी इतना झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं, और उनको पूरे उनसे पूरे देश की निगाह, भाजपा एक तरफ हो गई है, साध्वी एक तरफ हो गई है, प्रज्ञा सिंह एक तरफ हो गई है, लग रहा है पूरी पूरे देश को ही चुनाव जिता देगी प्रज्ञा सिंह। तो यही तो ये जो तीन राज्यों में जो हार हुई है वो ऐसे ही नतीजे थे, ऐसे ही इनके जो हौसले बुलंद थे इसी के कारण हुई है। और हम तो कहते हैं अच्छा है हौसले ही बुलंद रहे ताकि नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए और सत्ता और सरकार कांग्रेस चलाए। पर आपको नहीं लगता कि आप कांग्रेस जो है वो मुद्दों की बात कर रही है, वो रोजगार की बात कर रही है, वो विकास की बात कर रही है कांग्रेस, पर ये कह रहे हैं कि नहीं साहब हिंदू मुस्लिम और फिर बाकी का बचा खुचा, तो उन्होंने कहा ये आतंकवाद और आतंकवाद के साथ एक तड़का साध्वी जी का और साध्वी जी के बाद फिर मुसलमानों के बाद पूरा विपक्ष कर रहा है। आप उठा के देख लिए इनके सिद्धू जी, देखिए ये तो हर घर में सब जानते हैं, इतने पढ़े लिखे इतने बुद्धिजीवी तो सब हैं कि भूखे भजन ना होए गोपाला। आप तो बस भजन भजन कर लो, और भले ही आपका लड़का बेरोजगार हो, चाहे जुआ सट्टा खिलाता रहे, चाहे चोरी करता रहे, चाहे बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर ले, उसकी कोई चिंता नहीं, सिर्फ भजन करते रहो और बस जपते रहो, माला जपते रहो, करना कुछ नहीं है, सिर्फ भजन करते रहो भैया है। भजन करोगे तो अपने आप खाली बुद्धि आती है ना उससे, ये ऐसा इनका सोचना है। क्योंकि अब वो सतयुग नहीं रहा कि पेड़ के नीचे खड़े हो जाते थे और थाली आ जाती थी भगवान का नाम लेने से, अब तो कर्म करना पड़ते हैं, और कर्म तो खैर तब भी करना पड़ता था। पर सवाल यहाँ अनिल जी आपसे है कि ये सब चीज़ें होने के बाद भी, जो मैंने आपसे पूछा सवाल वो ये था कि देख रहे हैं आपके पार्टी का आम कार्यकर्ता हताश है, निराश है, और उसके बाद भी आप बोले चले जा रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई हताश विकास नहीं, पे, नहीं विकास पर और रोजगार पर आप बात ही नहीं कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के पूरे। आप देखिए, अरे यहाँ की भोपाल की बात कर लीजिए, चलिए तो अभी कोई ऐसी सभा छोड़ लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कोई ऐसा तो है नहीं कि जनता ने आपको मना किया है कि विकास की बात मत करिए, रोजगार की बात मत करिए। जब दिग्विजय सिंह जी एक अपना विजन भोपाल डॉक्यूमेंट ला सकते हैं तो आप क्यों नहीं ला पाए? हाँ, मेरी एक बात, अब आप, मैं आपसे ही प्रश्न करता हूँ, मैं बहन कांग्रेसी बहन से आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि आज मुख्यमंत्री बड़ा होता है जब सांसद बड़ा होता है, जब वो मुख्यमंत्री थे तो कौन सा विजन लेके चले थे? गड्ढों का विजन, लाइट पोल का विजन ना, उनने तो ना रोजगार, आज रोजगार की बात कर रहे हैं ना, अस्पताल ना, और सुन तो लीजिए, कुछ भी नहीं, भंडारदार मिस्टर भंडारदार का नाम जी। देखिए, पुराने किसी पाप के लिए आप बार बार उनको दोषी, अच्छा हमारे पाप पाप है, इनके पाप कुछ नहीं है, ताजा हो गए, इनके पाप पुण्य हो जाते हैं, इनके पिछले उनके 15 साल पुराने जो पाप है वो अभी 15 साल आपके जी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, उनने 10 साल किए तो उनने सजा भोग ली 15 साल तक जी, आप तो अभी 10 साल शासन करके हटे हैं, इसके
सॉरी मैं तो अभी आपकी बात कर रहा हूँ, 15 साल आप करके हटे हैं जी, वो 10 साल की बता रहे हैं, अपनी 15 साल की हमारे तो, अरे साहब आप निकलो तो सब बता देंगे, जगह जगह ब्रिज है, नए अस्पताल देखिए आप, हमीद अस्पताल की हमने रोजगार है, और कई ऐसे रोजगार भाई साहब, अरे रोजगार भी हमने कहा ना कि रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध कराए, कितने कराए इंडिया, और अरे आपसे और ये 70 साल से गरीबी हटाने निकले हुए, 70 साल आज तक गरीबी नहीं हटी है, अनिल जी एक रिजल्ट लेके इनका पूरा खानदान चला है। अनिल जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, भोपाल में एक ऐसा बड़ा उद्योग का नाम बताइए जिसमें कम से कम 5-10 हजार लोगों को नौकरी मिल गई। नहीं ऐसा कोई लगा नहीं, स्थापित नहीं हुआ पाया, लेकिन अब मैं अविनाश जी से पूछता हूँ, अविनाश जी क्या लगता है आपको, ये बस झूठे वादे कर देना, घोषणा पत्र लाना और घोषणा तक सीमित रहना और उसके बाद कोई नया शगुफा देके फिर अपनी नेतागिरी चमकाना, ये आजकल के नेताओं का चरित्र हो गया है? नहीं क्या होता है, कॉमर्शलाइज हो गए हैं बीजेपी वाले, उनको ये समझ में आ गया कि जैसे कॉलगेट है तो उन्होंने कहा अब इसमें क्या पफ है, अब इसमें ये है, इस तरीके से पहले चाय का मामला आया, अब की वह चौकीदार का, इसके बाद फिर दूसरा आएगा, तो इस तरीके का इनका ये सोचना है कि जब इससे काम चल रहा है तो क्या करना, कभी भी कोई भी, अभी इतने साल हो गए हैं, 5 साल में सबसे ज़्यादा नौकरी गई, सबसे ज़्यादा बिजनेस का डाउन हुआ, जिसकी 100 करोड़ की मान लो स्टेटस था 50 करोड़ का रह गया, इनको जाने कहाँ से मालूम पड़ रहा है कि डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया, नौकरी लोगों की लग गई, अभी जेट के बारे में देख लो, इसने कम से कम 1 लाख आदमियों का परिवार का, 1 लाख परिवार आदमियों का वो गया काम से, इसमें कोई भी टिप्पणी प्रधानमंत्री ने नहीं की, ना बैंक, मान लो आदमी चाहे तो सपोर्ट कर सकता है फॉर्मली तरीके से, और आपने बहुत अच्छी बात की कि 15 साल में कोई बड़ा उद्योग या इनके जो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, उसमें से 10 आदमी को हटा दें जिन्होंने जिनकी मतलब जो वैल्यू थी वो 0 से 1000 तक बढ़ गई 10 आदमियों की, बाकी लोगों को छोड़ो, आप एक भी इन्होंने कोई उद्योग लगाया हो और उद्योग से आउट उसकी वो भी होना चाहिए, जबकि करोड़ों रुपए उद्योग लगाने के लिए खर्च किए गए, कैंप कराया गया इंदौर में, कराया गया ग्वालियर में, सभी कैंप में हम गए, वो आपकी कोई भी बहुत बड़ा उद्योग आज तक नहीं लग पाया सब कागजों में। बिल्कुल, यहाँ पूर्णिमा जी अंतिम सवाल आपसे ही, कि चूँकि 15 साल बीजेपी की सरकार प्रदेश में रही है परंतु एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ भी है क्योंकि अफसर सुनते नहीं हैं, अब बिजली के मुद्दे पर जो भ्रम में रखे हुए थे अफसर वो जब सीएम ने हड़काया या चीफ सेक्रेटरी ने हड़काया तब जाके वो अव्यवस्था सुधरी है, अब पता चल रहा है कि बिजली तो सरप्लस है पर घोषित कटौती कर्मचारी अधिकारी अपने हिसाब से ही कर लेते थे। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और ये सबसे अच्छी बात ये है कि एक्शन तुरंत ले रही सरकार, और जो कमी है, जो अधिकारी कमी कर रहे हैं वो पकड़ रही है और तुरंत एक्शन लेके उनको जो दंड देना वो भी दे रही है, लचर रवैया नहीं अपना रही है कि करेंगे, सोचेंगे, मीटिंग बुलाएंगे, ऊर्जा मंत्री को बुलाएंगे, इसके बाद करेंगे, ये तुरंत एक्शन लेने वाला, और यही जनता चाहती है कि यदि कहीं कोई कमी कर रहा है, कोई अधिकारी गलती कर रहा है, हो सकता है वो विचारधारा उनकी अलग हो, वो षड्यंत्र हो, कहीं से मिले जुले हो, ऐसा भी होता है कई बार कि मिले जुले होते हैं और सरकार को बदनाम करने, क्योंकि चला था सरकार को बदनाम करने के लिए करते हैं षड्यंत्र, मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं सत्ता में भी, पर इसका असर पड़ेगा क्या एंटी इनकम्बेंसी का? नहीं, लेकिन पब्लिक समझदार है, जनता समझदार है, और अब वो ऐसे झूठे वादों में, झूठे कहते हैं ना जबरदस्ती की घोषणाओं में, जबरदस्ती के प्रलोभनों में नहीं आने वाली है, और वो अभी बिल्कुल शांत है, वो समझ रही है कि हमें हमारे लिए क्या करना है, आज जो व्यापारी गण है वो भी सब समझ रहे हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, आज दिन दिन भर एक दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता, मैं तो बाजारों में जाती हूँ पूछती हूँ, कहते हैं इतना बुरा माहौल हमने कभी नहीं देखा था, तो वो सब समझदार है और वो वक्त आने पर अपने वोट के रूप में वो अपना जवाब दे देंगे, जवाब दे देंगे। बिल्कुल, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और मैं बात करूँ जनता की तो निसंदेह जैसा पूर्णिमा जी कह रही हैं कि उसने ये ठान रखा है कि किस तरह से किसको वोट देना है और क्या संदेश देना है, तो मतदाता की बात तो 23 मई को ही पता चलेगी, परंतु इतना तय है कि इस बार मतदाता मौन है तो जरूर कुछ ना कुछ नया तो करने वाला है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।